नमस्कार अर्गस सुपरफास्ट को स्वागत करछि मु स्वप्ना आरंभ करबा खबर अभियान आज हेउछि लोकप्रिय आध्यात्मिक गुरु तथा इस्कन प्रतिष्ठाता एसी भक्त देवता श्रीला प्रभुपाद 125तम जन्मवार्षिकी एहि अवसर रे स्वतंत्र 125 टंकिया कॉइन रो उन्मोचन करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहि अवसर रे आयोजित कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी जरिया रे जोग देबार कार्यक्रम रहिछि। इस्कन प्रतिष्ठाता एसी भक्त देवता श्रीला प्रभुपाद 1965 विश्वरे प्रभु श्रीकृष्ण शिक्षार प्रसार प्रचार आरंभ करते जहां परवर्ती समय रे बेस आदृत लाभ कर 1968 श्रीला प्रभुपाद आमेरिकार न्यूयॉर्क सहर रे नूतन वृंदावन मंदिर निर्माण करते। आज आरंभ हो विधानसभा मौसुमी अधिवेशन 9 तारीख पर्यंत चलने थिबा एही अधिवेशन रे मोट 8 कार्य दिवस रही। प्रथम दिन में 7 बिल और गोटे अध्यादेश गृह में उपस्थापन हो स्वल्पकालीन अधिवेशन में सरकार आणवे 12 बिल पंचायत आईन संशोधन बिल सह अन्य किछि बिल गृह अनुमोदन आगत हो पारे। विधानसभा अधिवेशन कम थिले गृह सरगरम होगा निश्चित बोली जमापड़ी। प्रथम दिन शासक और विरोधी मुहांमुही हे तीन दल विधायक दल बैठक संकेत मिली। विरोधी हाथ में माड़माड़ प्रसंग थे मुख्य विरोधी दल बीजेपी और कांग्रेस राज्य सरकार को टार्गेट करे कि प्रसंग सामान थे विरोधी दल स्वर एक हेले सरकार अड़ुआ पड़ संभावना रही। आज राज्य में लागू हो सेप्टेम्बर मास नुआ गाइडलाइन सेप्टेम्बर मास कोरोना कटकणा को कोहल कर राज्य सरकार तीनोटी जिला खोर्धा कटक एवं पुरी में जारी रहिबो सप्ताहांत सटडाउन को हटाई दिया जाइछि। सेहिपरि नाइट कर्फ्यू समय रे मध्य परिवर्तन करा जाइछि। एंकि सेप्टेम्बर मासरे राज्य रे कोनोसी जगारे सप्ताहांत सटडाउन रहिबो नै जोटा कि आग्र भुवनेश्वर कटक एवं पुरी शहर रे लागू करा जायथिला। एबे सारा राज्य रे कोनोसी शहर हो बा ग्रामांचल रे हो कोठि वीकेंड सटडाउन रहिबो नै बा सप्ताहांत सटडाउन रहिबो नै केवल सारा राज्य रे जेते पौरांचल अच्छी से पौरांचल मानक प्रत्येक दिन रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10 घटिका ठारु सकाळ 5 घटिका पर्यंत बलवत्तर रहिबो। समस्त धार्मिक राजनैतिक सांस्कृतिक सामाजिक सब समावेश उपरे कटकणा लगा जायथिला। एबे मध्य सेप्टेम्बर मास मध्य एही समस्त धार्मिक राजनैतिक सांस्कृतिक और सामाजिक समावेश उपरे कटकणा जारी रहिबो। यही समय रे माने सेप्टेम्बर मास रे प्रदर्शनी वाणिज्य मेला मेला महोत्सव इत्यादि मध्य बारण करा जाइछि। तबे यही जो सेप्टेम्बर मास रे समस्त प्रेक्षालय और सम्मेलन कक्ष जो ऑडिटोरियम सब अच्छी कॉन्फ्रेंस हॉल अच्छी सेठी ऑफिशियल मीटिंग मध्य कोविड गाइडलाइन अनुजाई चली परिबो। कोविड गाइडलाइन माने जितिक सीट थिबो सेतिक सीट रहै परिबो किंतु जो मास्क यूज करेंगे कंपलसरी मास्क यूज हैंड हाइजीन फिजिकल डिस्टेंस आपको मानि ऑफिशियल मीटिंग सब करा जाय परिबो। वर्तमान 250 जन अतिथि एवं होस्ट उभय समस्त को मिसाई 250 जन लोकों को नहीं विवाह व्रतपनयन एवं अंत्येष्टि क्रिया संबंधी समावेश व कार्यक्रम करा जाय परिबो। आमर फिल्म हॉल रे ऑडिटोरियम रे मॉल रे आगुर आमे रजिस्ट्रेशन करथिलु एबे तांकर सीट संख्या जहाँ थी से अनुसार से माने लोक माने जाई परिबे एवं आगुर थला कोविड सर्टिफिकेट मागुथलु कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट नहले टेस्ट सर्टिफिकेट मागुथलु से ताको आमे रिलैक्सेशन करिछु सरकार करिछन्ते रिलैक्सेशन। स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप्त जेना कहिछन्ते जे एणिकी राती 10टा रु सकाळ 5टा पर्यंत पौरांचल रे रात्रिकालीन कर्फ्यू रहिबो। पूर्वरु राति 8टा रु नाइट कर्फ्यू अवधि आरंभ होइतबा बेले एही समय को राति 10टा को घुंचाई देइछन्ते सरकार। सेहिपरि राज्यर सबु स्थान रे सप्ताहांत सटडाउन उठि जाइछि। सकाळ 5टा रु राति 10टा जाय खोली पारिबो समस्त मॉल एवं दुकान बजार कोविड कटकणा सह राज्य रे थिबा फिल्म हॉल थिएटर आदि खोली पारिबो। तबे धार्मिक एवं राजनैतिक समावेश उपरे कटकणा जारी करा जाइछि। आगको पार्वण ऋतु थिबारु गत अगस्ट 9 रे घोषित गाइडलाइन अनुजाई पूजा पार्वण आयोजन करा जाई पारिबो बोली एसआरसी कहिछन्ति।
टीकाकरण रे पुणी थरे रेकर्ड भांगिला भारत गत सप्ताह रे देश रे गोटिए दिन रे वैक्सीनेशन डोज 1 कोटी पार करितबा बेले आज एही संख्या 1 कोटी 21 लाख रे पहुंचिछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय एने ट्वीट करी सूचना देछंती आजर वैक्सीनेशन को नै चलित मासर मोट डोज संख्या 18 कोटी पार करिछि। पूर्वरु जुलाई मासरे 13.45 कोटी डोज दिया जायतिला अगस्त मासरे एही संख्या रे 33% अभिवृद्धि घटिछि। तबे वर्तमान सुधा देशरे 50 कोटी प्रथम एवं 15 कोटी द्वितीय डोज दिया जाय सरथिबा बेले मोट टीकाकरण 65 कोटी अतिक्रम करथिबा जणा पडिछि। देशर अर्थनीति को बड़ बूस्ट प्रथम त्रयमासिक रे जीडीपी ग्रोथ 20% रु अधिक रहिछि। देशर अर्थनीति द्रुत गति रे ट्रैक को फेरुछि। आर्थिक वर्ष 2022 एप्रिल जून त्रयमासिक रे सकल घरै उत्पाद बा जीडीपी रो परिसंख्यान रु एही संकेत मिलिछि। चलित आर्थिक वर्षर प्रथम त्रयमासिक अर्थात एप्रिल जून रे देशर जीडीपी हार बढ़ी 20.1% होइछि। प्री कोविड लेवल इस साल प्री कोविड लेवल से ज्यादा ही आएगा और जिस तरह के आंकड़े आए हैं इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रेडिक्शन दिया था और बजट में जो प्रेडिक्शन था वो इस बार आना चाहिए। इस साल में जिस तरह की पहले तिमाही में जो आंकड़े आए हैं उससे लग रहा है कि जो हमारे जो हमारा अनुमान था बजट के समय वो अनुमान एक्चुअली सही होना चाहिए। तो ग्रोथ के संदर्भ में तो एक्चुअली जो प्री पैंडेमिक उससे ज्यादा ग्रोथ इस साल आनी चाहिए और आगे बढ़ के भी आनी चाहिए। गत वर्ष समान त्रयमासिक रे जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव 23.9% रहितला। 2021-22 रो प्रथम त्रयमासिक रे जीडीपी 32.38 लाख कोटी रहिची जहां 2020-21 रो प्रथम त्रयमासिक रे 26.95 लाख कोटी रहितला। एसबीआई रो इको रेप रिसर्च रिपोर्ट रे चलित आर्थिक वर्ष रो प्रथम त्रयमास रे जीडीपी रो हार 18.5% रहिबाने पूर्वानुमान करा जायतिला। सेहिपरि आरबीआई पक्षरु प्रथम 3 मास रो जीडीपी 21.4% रहिबाने पूर्वानुमान करा जायतिला। अफगानिस्तान सामरिक प्रत्याहार पर अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन देश को संबोधित करिछन्ति। अफगानिस्तान रे अमेरिका मिशन को एक सफलता बोली से वर्णना करिछन्ति। से कहिछन्ति जे काबुल छाड़ीबा व्यतीत अमेरिका पाखरे कोनोसी विकल्प नथिला। सेठारे सह सह कोटी डॉलर खर्च होइथिला एवं एही अभियान अत्यंत व्ययबहुल बोली प्रमाणित होइथिला। अफगानिस्तान रे आमे जहां करिछु ताहा गर्वर विषय। The longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and the ability to do it, and we did it today. The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill, bravery, and selfless courage of the United States military and our diplomats and intelligence professionals. For weeks, they risked their lives to get American citizens, Afghans who helped us, citizens of our allies and partners and others on board planes and out of the country. And they did it facing a crush of enormous crowds seeking to leave the country. And they did it knowing ISIS-K terrorists, sworn enemies of the Taliban, were lurking in the midst of those crowds. And still, the women and men of the United States military, our diplomatic corps, and intelligence professionals did their job and did it well, risking their lives. आमर उपस्थिति रे अफगानिस्तान रे शांति थिला। अफगानिस्तान रे आमर मिशन सफल होइतला बोली बाइडेन कहिछन्ति। मो विश्वास करे आमर निष्पत्ति ठीक एवं सर्वोत्तम अटे। अन्य पटे से कहिछन्ति आमे चीन थारु कड़ा प्रतियोगितार सम्मुखीन हेउछु। आमे रुसियार मध्य चैलेंजर सम्मुखीन हेउछु। अफगानिस्तान रे सेमानक सह प्रतिद्वंदिता करबाकु चाहु नाहु वर्तमान आमे एक नूतन ढंगरे आगकु बढ़िबाकु चाहुछु। अफगानिस्तान लोकंकु सहाय्य करबाकु महिला शिशु एवं मानविक अधिकार पई लड़ई पई आमे सर्वदा प्रस्तुत रहिबु बोली बाइडेन कहिछन्ति। वर्तमान अर्गस सुपरफास्ट समय होछि एक छोटो ब्रेक रो।
ब्रेक परे बुलेटिन को स्वागत। निज जिले में बाहुबली मंत्री को पोस्टर रे विरोध, पोस्टर चिरिले मंत्री नवदासों समर्थक। घटना घटी झारसुगुड़ा सहर अंतर्गत बुरेमाल अंचल जीवा रास्त। स्वास्थ्य मंत्री नव दास को निज निर्वाचन मंडली में पोस्टर मारी विरोध कर। सोमवार स्वास्थ्य मंत्री एक कार्यक्रम में जोगदेवा विरोध कर झारसुगुड़ा सहर अंतर्गत बुरेमाल अंचल जीवा रास्त स्थानीय लोक पोस्टर मारी विरोध और प्रदर्शन करते, किंतु स्वास्थ्य मंत्री समर्थक माने पोस्टर को चिरी देते। वर्तमान मध्य लोक मानते यहाँ विरोध भास अच्छी, तेणुक आज जिते आम सका खबर पाइल जे नवदास बुरेमाल को आसुचे, तो आम सांगे सांगे आम बैनर तो आम रेडी आगु भी दुई थर से कैनसल करते प्रोग्राम बैनर रेडी आज सका बैनर लगेलुँ प्रतिवाद। नवदास विजु जनता दल गुंडा लोक मैंने आसी जोर जबरदस्ती सेठे बैनर को फाड़िले, एटा तांगु दर्शा जाउछि जे से माने इशु आउ मुद्दा और सत्य को फेस करिवा पय तांगो साहस नाही, तेंगो से माने गुंडा लगौछंती एवं एपरि भाव रे अंचल रे भयभीत वातावरण सृष्टि करिवा पय से माने चेष्टा करौछंती। एटी गोटे कांटेक्ट राज चलछि समांतर भाव रे, सेति पय एठरे लोकंकर जो आक्रोश को डरी कि भयभीत हे कि पोस्टर बैनर चिरुछंती, पोस्टर बैनर चिरीवा किसी आवश्यकता ना। आप जब भल कम करणटा नूतन निर्माणटा जब एत सुंदर तेल लोक भयभीत हबार किसी आवश्यक ना, से कम गणतंत्र को सम्मान जनवाई लोकंर भावाबेग आकर आक्रोशा को संभाक चेष्टा करूँ। आगामी दिन में लोक मैंने यार कड़ा जवाब देते, या कड़ा जवाब देते। एसीबी मेडिकल डिस्चार्ज हेले अनशनकारी परेश श्रीकांत नायक केन्द्रापड़ा खरसोता बंचाओ और भितरकनिका सुरक्षापी 17 दिन अनशन कर गुरुतर होते। श्रीकांत नायक चिकित्सापी केन्द्रापड़ा मेडिकल एसीबी आईसीयू में भर्ती होते। श्रीकांत भितरकनिका सपक्ष खरसोता सपक्ष अनशन आज 22 दिन पुलिस छाउणी भितर अनशन भंग हो। 22 दिन अनशन शारीरिक पीड़ा जेतिक व्यथित करिने ए राज्यर प्रशासक मानंकर दासत्वपण बेसी भावर व्यथित करुछि, तेबे जो जनप्रतिनिधि माने ए देशरे ए राज्यर प्रतिनिधित्व करुछन्ते आसंता काली विधानसभा रे सेमाने बसिबाकु जाउछन्ते, सेमानकर उत्तरदायित्व रहिछि ए मानव संबल रे ओ प्राकृतिक संपद रे सुरक्षा बौद्ध जिला कंटामाळ ब्लॉक सुंडी पतर पंचायत कार्यालय रे पीओ को ताला पकाइले ग्रामवासी। मिशन शक्ति गृह को पंचायत कार्यालय परिसर रे नकरी अन्यत्र कराजिबा घटना को ने ग्रामवासी माने पीओ को ताला पकाइथिले। मिशन शक्ति गृह सरपंच निज गाँव में निर्माण करिछंती, पीओ बसंत कर्णरंकर मध्य संपृक्ति रहिथिबा ग्रामवासी माने अभियोग करिबा सह तांको पंचायत ऑफिस रे ताला पकाइथिले। टोकियो पारा ओलंपिक रो सप्तम दिन रे भारत को पूर्णी मिलिछि पदक। दिनक आरंभ रे सिंहराज पुरुष 10 मीटर एयर पिस्तल रे ब्रोंज पदक हासिल करथिले। यहा परे पुरुष हाई जंप रो 363 रे मियरप्पन थंगबेलु एवं शरद कुमार रौप्य एवं ब्रोंज पदक निज नाम रे करथिले। यहा सह भारत रे पदक संख्या 10 रे पहुंचिछि। पुणी चर्चा रे बुर्ला भीमसार डाक्टर शंकर रामचंदनी पूर्वर टंकिकिया क्लिनिक को नहीं चर्चा रही वर्तमान निज मानविकता एवं महानीयता चर्चा को आने असह्य महिला अंतिम संस्कार कर समस्त प्रशंसार पात्र होती डाक्टर शंकर रामचंदनी। जड़े असह्य महिला रोगी 4 वर्ष धरी हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन थे। आज महिलां देहांत होता तेरे मृत्यु खबर जानवा पर भी महिला पर आसन शेषे निजे डाक्टर शंकर रामचंदनी महिलां मुखाग्नि पुत्र हो मुखाग्नि होवार सौभाग्य पाई डाक्टर शंकर रामचंदनी। कोरोना महामारी समय दिन राति एक करी असहाय लोकों सहायता करुवा विभिन्न सामाजिक संगठन एवं स्वेच्छासेवी संगठन को कटक मुस्लिम युव संगठन पक्षर् संबर्धित करज घर पर छड़ी कोरोना महामारी विषय जनसाधारण पाखे खबर पहुंचा
सांबादिकंकु मध्य संबोधित करिछि संगठन। कटक मुस्लिम युव संगठन द्वितीय वर्ष पूरण अवसर में आयोजित कार्यक्रम में यह संबोधित करतीत कटक सहर से क्विज कंपिटिशन सह विभिन्न प्रतियोगित भाग नहीं विजेता संबोधित कर किसी सामाजिक संगठन कटक सहर से जी लॉकडाउन एवं शटडाउन समय असहाय लोकर मदद करते तो सम्मानित करम तरफ तांगे आमर मीडिया भाई मैंने जी मैंने एकजुट होन रात निज पर छाड़ी लोक मान सेवे ये शटडाउन एवं लॉकडाउन जारी रखी थे से सम्मानित करेंगे आम 15 अगस्त अवसर में इंडिपेंडेंस डे अवसर में कुनि कुनि पिला जी घर बाहरी पार्ना ऑनलाइन कंपटीशन डिबेट एसे एवं ड्राइंग रो कंपटीशन आयोजन करूँ जहा दिए मेधावी पिला आज पुरस्कार दिज्व। अनुगुल जिला छेंडीपदा थाना माछकुटा ग्राम से दुखद घटना। बिल को चाष करने को जाते वज्राघात पुओ मृत अल्प के बतले बापा मृतक युवक से ही गांव लोटन साहू बापा बिल को हल करने को जाते पुओ लोटन खावा देवाक जाते से ही समय झिपझिप वर्षा सह वज्राघात होता फल वज्राघात लोटन गुरुतर आहत होता बेले छेंडीपदा मेडिकल भर्ती कराइला डाक्तर सेठे लोटन को मृत घोषणा कर। संबलपुर टाटा पावर ऑफिस घेरिला बीजेपी राज्य में विद्युत वितरण दायित्व टाटा पावर हाथ को जीवापर ग्राहक महल असंतोष देखा देछि। कोरोना महामारी समय विद्युत शुल्क वृद्धि अघोषित विद्युत काट लो वोल्टेज समस्या वृद्धि पाई से शुल्क आदाय समय कर्मचारी दादागिरी त्रुटिपूर्ण बिल आसुवा देखा मिली। विद्युत सूचनापी लोके फोन मध्यम जोजोग कले विभाग अधिकारी अशालीन और खामख्याली उत्तर भली अनेक अभियोग सामना को आसी जहाँ बीजेपी पक्षर ऐतापाली स्थित ऑफिस घेराव करा पूरा पूरी लुटुचन पूरा संस्था ना मैंने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पूरा पूरी लोक मन को बड़ कथा दादागिरी करवा लगे कलेक्शन करवा लगे किसी दादा मन को रखुन से दादागिरी मारुचन पैसा कलेक्शन करुचन लोक मूँ दपड़ लोक मूँ चमकोन संगे संगे लाइन काटि दौन कहला बोले कार्य समस्या मैंने बुझा लगे प्रस्तुत नुहन विभिन्न रकम समस्या अच्छे समस्त आज तो देखु थे जिन हिसाब लोक मैंने आसते लोक मन भितर गोटे आक्रोश अच्छे सदा सर्वदा अवहेलित आसल सर्वाधिक व्यवहार कट होल विद्युत शुल्क कलेक्शन ना हाइएस्ट कलेक्शन करसंगे संगे ये जो टाटा पावर जहाँ को फ्रेंचाइजी देती बिल कलेक्शन ना से घर घर पशिक दादागिरी करते विजिलेंस टीम लोक घर को पशि जा 50,000 क्या लक्षे टाँग बिल कर दौर बिल जो दौरान बिले भी बहुत समस्या रही तत्संगे संगे ये पश्चिमांचल बहुत लोग प्रभावित होती। महिला जीआरएस आत्महत्या जाजपुर जिला चंडीखोल छक निकटर महिला जीआरएस मृतदेह उद्धार करा से बड़चणा ब्लक पत्तराजपुर पंचायत में जीआरएस भाव काम करते बरदा पंचायत में बहुत करता बेले से 4 वर्षर झील और तांको पीयूसी चंडीखोल निकटने एक घरे भड़ा रही आसुले फैन झुलंता अवस्था मृतदेह उद्धार कर। पुरी जिला डेलांग ब्लक गोड़ीपुट माटियापड़ा पंचायत हरिपुर स्टेशन थारु चंपती साही एवं जेना साही को संजोग करुवा रास्तार उभय पटु कंक्रीट रास्ता निर्माण करा मझी रास्तार प्राय 100 फुट हेब पंक कादुओ हो पा जमि रही जहाँफल ग्रामवासी पंचायत पर नाना असुविधा सम्मुखीन होती बाबद सरपंच को अभोग कर निराश होगापर पुरी जिलापा ट्विट कर हेले कौनसी समाधान होइनतिबा ग्रामवासी अभियोग करिछंती। अन्यपटे पंचायत पक्षरु जथा शीघ्र रास्ता निर्माण पई व्यवस्था करा जिबा पई पंचायत निर्वाही अधिकारी कहिछंती अभियोग आय रास्ता त आपण देखुंती निजे त कॅमेरा देखुंती कोन अवस्था आपण त निजे जानुंती हं आमो गाँव रे आज्ञा सबु माने नोमिनी रु आरंभ करी चेयरमैन ठो आरंभ करी सरपंच ठो आरंभ करी थरे नो 3 दिन थरे बदे सरपंच सबु किछि पावर सबु थई किंतु आज पर्यंत ये अवस्था सब अवस्था ना रास्तार अवस्था सोचनी आप देखते कि लोक एपटे जाऊँगी कौ अवस्था होती आउ लोक कौ भाया इन अवस्था हमें आप निजे आखिरे देखुं ये रास्ता मुहरी घर पाखे ही बंद कर दि जाए कारण हो मु 2014 रु भाजपा जोग दे भाजपा जोग देवा हेतु मो द्वारा होनी मोर अनुमान कि कौन तक उद्देश्य थी से कथा भी मुझेपार नहीं दाबी आमर रास्ता कमी ढल से किसी ना आम जो से कमटा कर
ସେ କାମଟା ଯେତିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କରୁଛୁ ଯେତିକି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଠି ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେତିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ସେ କାମ କଲୁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ସେଠି ଲୋକ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗା, ସେଇଟା ସେଠାରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି କାମ କରାଇଦେବୁ। ତ ସେ CC ରୋଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଆମେ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କଲେ, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି ଆଉ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ କାକୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂତନ ଗୃହ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ବିରୋଧ କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। କାକୁଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ପାଟନାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିର ମନ୍ମୁଖୀ କାରବାରକୁ ନେଇ ଜନମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ପାଟନାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ବିହାରରେ ଯୁବକ ଆଣି ଏନ୍ଏସିରେ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଜନମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ନହେଲେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଅତାବିରା ଓ ଗୋଡ଼ଭଗା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଲାଦରପାଲିସ୍ଥିତ FCI ଗୋଦାମ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରୁ ଚାଉଳ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ବୋଝେଇ FCIକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାଲ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ତା'ର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। ତେବେ ତାହାର ଉଚିତ ଦର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକକୁ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସଂଘର ସଭାପତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଦିନ ଦୁଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମପୁରରୁ ଆସି ଡୁମଡୁମା ନିକଟରେ ଥିବା ଯୋଧପୁରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା 2 ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କଲା ଟମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ପୋଲିସ। 2 କଣ୍ଟେନରରୁ 23 ଗାଈ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଉଭୟ କଣ୍ଟେନରରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗିଠାରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକ୍ ଗାର୍ଡରେ ଆଜି ଜଣେ ଶ୍ରମିକର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାଲେପୁର ଥାନା କଟିକଟା ଅଞ୍ଚଳର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବିହାରୀ ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଏହି ଗୋଦାମରେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି କାମ କରିଆସୁଥିଲେ। ଗୋଦାମ ଭିତରେ ଗୋଦାମର ସୁପରଭାଇଜର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାରୁ ଆଗରୁ ଜ୍ଞାନ ତା ପରିବାର ଲୋକକୁ କହୁଥିଲା। ଆଜିର ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଜ୍ଞାନର ପରିବାର ଲୋକେ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୋଦାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋ ଦାଦାକୁ ଏଠି ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର କରିକିରି ମରାଯାଇଛି। ଏଠି 15-16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କଲେଣି। ଆଗରୁ ବି ଏମିତି କରାହେଇଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ଘରେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ କହୁ ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି, ସେ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ପରିବାର ମୁଁ କେମିତି ଚଲେଇବି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ହାବୁଲ ସିଂ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକିରି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛୁ ଯେ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରାଯାଏ ଆମେ ଏଠି ଅନଶନ କରୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେମିତି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅ 2 ସେ କେମିତି ଚଳିବେ, ତ ରହିବେ କେମିତି, ସେଇଟା ହଉ ଯାହା ସହିତ ମନମାଳିନତା ସେଟା ନାହାନ୍ତି ଏବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ସେଇଟା ମୋ ନଲେଜ୍ରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଶୁଣୁଛି ବହୁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ନଲେଜ୍ରେ ପଛରେ ଆସିଲା। ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମଠପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମନମୋହନ ମଲ୍ଲିକ ଦୁଇ ବଖରା ଘର କୌଣସି କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିପାରିନଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବରୀ ଦମକଳ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାୟକ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର କୁହାଯାଉଥିବା ବିବାଦୀୟ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବା ପରେ ଅବକାରୀ କମିଶନର କଟକର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁପୁରର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାୟକ ଓ କନେଷ୍ଟେବଲ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ଜଣେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ
ଲାଞ୍ଚ ଘଟଣାରେ ଗତ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଭିଡିଓ। ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ବିଜୟ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଙ୍କୁ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ସମାଜସେବୀ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଶା ପାଲଟିଛି। ସୁଦୂର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜୁ କରଣ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର 15 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭୁଲ ବଶତଃ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପୁରୀ ଆସି ଭୋକ ଉପାସରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ନିଜର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ପିପିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଳଶେଖରପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ସମାଜସେବୀ ରିଙ୍କୁ ଜେନାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପୋଷାକ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ପାଇବା ପରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ପତ୍ନୀ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କରଡ଼ା ଖମଣ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଆରି ମାଳିଆ ଗାଁର ହେମନ୍ତ ପେଣ୍ଠେଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ କରଡ଼ା ଖମଣା ଗାଁ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ କରଡ଼ା ଖମଣ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ବେହେରା ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ ସୁପରଫାଷ୍ଟରେ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।